मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिहारी तरीके से चना दाल का पूरी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा आटा लगा रही हूँ। तो यहाँ पर आटा लगा दिया है, 10 मिनट तक इसे ढककर साइड में रख देती हूँ। तो दाल यहाँ अच्छे से फूल गया है, तो इसका पानी निकाल कर बर्तन में डाल दिया। 2 गिलास पानी, 1 चम्मच हल्दी अच्छे से मिला दिया, ढककर 10 मिनट तक पका लिया है। तो इसका पानी निकाल कर एक प्लेट में मैंने दाल को रख दिया है। यहाँ पर मिक्सर जार में मैंने दाल को डाल दिया और इसे पीस लिया है। तो यहाँ पर बर्तन में मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच कलौंजी, कद्दूकस किया अदरक, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च सभी को मिला लिया है। यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है और मीडियम साइज के बॉल्स मैंने रेडी कर लिया। चटाई जैसा बना के मिश्रण को डालकर इसे हाथ से दाबते हुए पेड़े जैसा बनाकर हल्के बेलन से बेल दिया है। गरम तेल में डाल दिया है और इसे लट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने तल लिया है। गरम गरम दाल का पूरी रेडी हो गया। इसे बिहार का फेमस रेसिपी बोलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इजी टू कुक फूड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूल।